हाँ जी नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रितेश पटेल आप सभी का स्वागत करूंगा पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर वन चैनल स्टडी विद रितेश में। पैरामेडिकल 2024 का एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया है और इस बार रिजल्ट कब आएगा ऐसा प्रश्न आप लोगों में से अधिकतर बच्चों का था, तो मैंने सोचा चलिए एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर दिया जाए कि इस बार जो है रिजल्ट कब तक आ सकता है। साथ ही साथ आपको देखिए बहुत से डाउट्स होंगे कि सर इस बार जो है कितने रैंक तक वाले को जीएनएम मिलेगा, एएनएम मिलेगा, ओबीसी की कट ऑफ क्या जाएगी, जनरल की कट ऑफ क्या जाएगी, है ना, एससी एसटी दिव्यांग ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या जाएगी, सारी चीज़ों को जो है ना इसी चैनल पे हम बताएंगे आपको। तो भाई सबसे पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को भी फॉलो कीजिए, यानी वहाँ पे ज्वाइन कीजिए चैनल को, क्योंकि पैरामेडिकल से रिलेटेड हर एक अपडेट टेलीग्राम पर सबसे पहले जाती है, ठीक है। तो देखिए रिजल्ट को लेकर काफ़ी बच्चों का पूछना था, तो चलिए यहाँ पर हर एक चीज़ को क्लियर किया जाएगा। देखिए मैं पिछले साल का डेटा लूंगा यहाँ पे, पिछले साल एग्जाम कब हुआ और कितने दिन बाद रिजल्ट जारी किया गया, ठीक है। तो हम लोग पिछले साल के जो है डेट्स को देखेंगे यहाँ पे और उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए पिछले बार का मैं रिजल्ट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्ज़ाम कब हुआ था। देखिए पिछले साल यानी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था पैरामेडिकल का, वो 25 जून 2023 को हुआ था, ठीक है। और रिजल्ट जो है जारी किया गया 19 जुलाई 2024 को, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जून में 5 दिन और यहाँ पे 19 दिन, तो 19 5 यानी वही आपका 24 दिन। तो आप यहाँ पे ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपका रिजल्ट इस बार यानी 2024 में जो है तकरीबन, देखिए 2024 में जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो 25 से 30 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछले साल का भी यही डेटा है, मात्र 24 दिन के बाद जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इस बार का भी यही एक्सपेक्टेशन है, यही उम्मीद है कि बोर्ड जो है 25 से 30 दिन का समय लेगा और आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। भाई रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन बहुत से बच्चों के मन में जो है तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर होते ही आपके हाथ में एक रैंक कार्ड आता है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि सर ये रैंक कार्ड है क्या, है ना, सर मेरा इतना रैंक है तो मुझे कौन सा कोर्स मिलेगा, किस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिलेगा। भाई ये सब जानकारी आपको मिलेगी स्टडी विद रितेश के इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा, ठीक है, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आपको समय से पहले पहुँचती रहे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे हर एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, यानी रैंक कार्ड आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद रैंक कार्ड जो डाउनलोड करोगे वो हर एक चीज़ बताई जाएगी कि भाई रैंक कार्ड होता क्या है, है ना, कितना रैंक पे कौन सा कोर्स मिलेगा, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए आपको, कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो भाई इस चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा यानी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, वो वीडियो रहेगी कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि बहुत से बच्चों का पूछना है कि सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है, मेरा बीसी कैटेगरी है, यूआर है ना, यूआर में इतना क्वेश्चन सही है, बीसी में, बीसी से हैं हम इतना क्वेश्चन सही है, एससी में, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन मेरा इतना क्वेश्चन सही है। तो भाई यहाँ पर आपको बताई जाएगी कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए, बीसी कैटेगरी से कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। इस पे भी एक वीडियो आएगी, तो आप लोग वेट कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।